और यही वजह है कि हम ये कह रहे हैं कि इस इत्तेफाक को हजम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने जमीन तैयार कर दी है इस बात को लेकर कि आने वाले समय में कम से कम सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस के इस सादगी अभियान का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो हड़कंप मच गया है इस वजह से वो इस बात का कि जीती जागती मिसाल है। शताब्दी से सफर कर रहे राहुल गांधी की ट्रेन पर पथराव की घटना से कांग्रेस में हड़कंप है और बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस अब सादगी के पार्ट से पीछे हट जाए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नेता राहुल गांधी के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी दबाव डाल रहे हैं कि वो इकोनॉमी क्लास में सफर करने की जगह सुरक्षा घेरे में लौट आए। इसके लिए हवाला जनता की हिफाजत का भी दिया जा रहा है। सोनिया जी और राहुल जी इकोनॉमी क्लास में और ट्रेन में अपने टिकट्स कटवाकर चले थे, तो जरूर सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी हमको देखना पड़ेगा और दोनों को बैलेंस करके उनके सिक्योरिटी को डिस्कस करने के बाद ही आगे हम काम करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर हिदायत दी है कि VVIP अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न करे, ऐसा करना किसी आपदा को न्योता दे सकता है। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि VVIP की वजह से आम लोगों की जान को भी खतरा होता है और VVIP को सादगी दिखाने के लिए आम लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहिए। There will always be some security risk, whichever mode of travel you may use, because it's a hazard for political leaders. Some risk is always there, and there can never be a foolproof security arrangement. राहुल की ट्रेन पर हुई पथराव की घटना भले ही मामूली कही जा रही हो, लेकिन अपने दिग्गज नेता को लेकर पार्टी के अंदर भावुक बहस भी शुरू हो गई है। बहस ये कि जिस पार्टी ने राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जैसे दो बड़े नेताओं को खो दिया है, उसे ऐसी लापरवाही बरतनी चाहिए। फिलहाल कई नेताओं ने अपनी राय साफ कर दी है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इकोनॉमी क्लास से बाज आएं, लेकिन पार्टी अभी तय नहीं कर पा रही है कि सादगी से कदम कब पीछे खींचा जाए। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की ट्रेन पर हुए पथराव को शरारती तत्वों की हरकत बताती है, तो दूसरी तरफ इसी हरकत का बहाना बनाकर पार्टी का एक धड़ा इस मुहिम में लग गया है कि उनको सादगी नहीं सुरक्षा चाहिए, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसी दबाव के चलते सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सादगी छोड़कर सुरक्षा के मद्देनजर एग्जीक्यूटिव क्लास में दोबारा यात्रा शुरू करनी पड़े। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ सुमित अवस्थी, दिल्ली आज तक।